हम गार्डन सजाना तो पसंद करते ही हैं, तो उसकी मेंटेनेंस और सफाई भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने गार्डन स्पेस की क्लीनिंग रूटीन। तो सबसे पहले हमें अपने प्लांट्स को साइड करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने अपने सभी प्लांट्स को उतार लिया है। सभी ट्रेज जो मैं अपने गमले के नीचे रखती हूँ उन्हें भी निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कम से कम महीने में एक बार हमें अपने गार्डन की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। मेरा ये गार्डन मेरी खिड़की पर ही है। मैं यहाँ ही अपने प्लांट्स रखती हूँ, इसी वजह से रेगुलरली खिड़की क्लीन नहीं भी कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रिल को साफ कर रही हूँ गीले कपड़े से, डस्ट जल्दी निकल जाती है। फिर स्लाइडिंग को भी मैं साफ़ कर रही हूँ गीले कपड़े से। जब तेज़ हवा या आंधी आती है तो कांच पर डस्ट रह जाती है, इसलिए ही इसको भी साफ़ करना तो बनता ही है और दोनों साइड से ज़रूर करना है। अब मैं अपनी दूसरी खिड़की को भी इसी तरह से साफ कर रही हूँ। पहली विंडो में नीचे ग्रिल ही है पर दूसरी में मार्बल लगी हुई है, इसीलिए इसको भी नीचे से साफ कर रही हूँ। अब अपने पहले विंडो की खिड़की पर मैंने काट का ये एक लंबा पीस रखा है और इसे स्पॉन्ज यूज़ करके ऑयल कलर से पेंट किया है। यहाँ पर मैंने ग्रीन, वाइट, येलो और ब्लैक कलर्स को मिक्स करके ये बनाया है। अब आ रही है फाइनल सेटिंग की। तो सबसे पहले मैं रखूंगी ट्रे या प्लेट आप कह सकते हैं, नहीं तो एक्स्ट्रा पानी नीचे गिरेगा। और काट भी इसीलिए रखा है ताकि पानी डालते समय या स्प्रे करते समय काट पर ही गिरे, नहीं तो आयरन की ग्रिल है और उस पर जंक भी जल्दी लगने का डर होता है। अब मैं अपने गमले रखना शुरू करती हूँ और इस खिड़की पर खास मैं अपने सारे शेड लविंग प्लांट्स एक साथ रखती हूँ। यहाँ मैंने एलोवेरा रखा है, फिर पीस लिली का प्लांट है बहुत छोटा सा, अजवाइन का भी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, ये ड्रेसिना की वैरायटी है। और गमले थोड़े ज़्यादा होने की वजह से मुझे यहाँ एक और प्लांट रखने का स्पेस बनाना है, पर इस बात का ध्यान रख रही हूँ कि और किसी प्लांट को नुकसान भी ना हो। तो ऐसे मेरी ये खिड़की फ्रेश और साफ हो गई है। दूसरी खिड़की पर मेरे थोड़ी धूप आती है तो यहाँ पर मैं बेजिल, सिंगोनियम और भी कुछ प्लांट्स रखती हूँ। अब एक साथ फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। बी सेफ, बी हैप्पी, बाय।